साथ हैं रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, कैसे आज आप उनको याद करें, क्योंकि आप लोगों के बीच में भी हालांकि अलग अलग पार्टियों में पहले हुआ करते थे, लेकिन अच्छे संबंध थे। देखिए, उनको जिस दृष्टि से जो देखना चाहता है उस दृष्टि पे वो खरे उतरते हैं। एक विद्वान राजनेता, संघर्षशील राष्ट्रवादी नेता, और डिप्लोमेसी में कोई जवाब नहीं, अर्थशास्त्री के रूप में एक महान उपलब्धि पाने वाला नेता, और उनका जो भाषण था, जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जो उनकी डिबेट्स थी, जो संसद में उनके उनके बयान थे, वो इतने ज़ोरदार होते थे और इतना सीख मिलता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, असंसदीय भाषा का नहीं, और पता नहीं कितने लाखों शब्दावली उनके मन में थी, उनके ब्रेन में थी। देश के लिए और देश की राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि पूरा राष्ट्र उनका सम्मान करता है और ये मानता है कि श्रम और विवेक दोनों के मिश्रण से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया, और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब उनके बुद्धि का, उनके कार्य का सम्मान करते हैं। शुक्रिया। रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, एक वक्त में कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी, मगर तब भी अरुण जेटली के लिए सम्मान उनके दिल में वैसा ही था जैसा कि उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, 9 TV।